नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। बहुत ही कम कीमत पर ला चुका हूँ 1 BHK फर्निश फ्लैट। आज जो मैं आपको 1 BHK का फ्लैट दिखाऊंगा, ये है आपका 650 स्क्वायर फीट का 1 BHK फ्लैट है। अगर आप रॉ फ्लैट भी लेने के लिए जाओगे ना, तो कम से कम 19 से 20 लाख के आसपास आपको देना पड़ सकते हैं 650 स्क्वायर फीट का 1 BHK। लेकिन मैं आपको फर्नीचर के साथ में बहुत ही कम कीमत पर, रॉ फ्लैट से भी बहुत ही कम कीमत पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1 BHK का फर्निश फ्लैट, जो कि आज मैं आपको दिखाऊंगा। और इस वाले फ्लैट पे आपको कम से कम 3 से 3.5 लाख का लोडिंग है, यानी कि आप पकड़ के चलिए इसमें आपका बहुत ही पैसा बचने वाला है। लाइक आपका जो 5 लाख के आसपास, 5 लाख से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर सेविंग होने वाला है अगर आप इस वाले प्रॉपर्टी को बाय करते हो। तो पूरा डिटेल इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, डाउन पेमेंट, EMI, फ्लैट का टोटल कॉस्ट क्या है, सिटी कौन सा है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो को आप लोग देख लीजिए, एक एक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको डोर को दिखाना चाहूंगा। ये है आपका डोर, जो कि आपको सेफ्टी डोर आपको मिल जाता है। ये आपका डोर रहेगा हर फ्लोर पर, यहाँ पर आपको 3-3 के फ्लैट मिल जाएगा। अगर मैं इसकी फेसिंग की बात करूं, तो ये है आपका ईस्ट वेस्ट वाला फेसिंग, और ये रहेगा आपका मेन डोर, और ये है आपका लिविंग। और लिविंग को आप देख लीजिए, आप खुश हो जाएंगे, 650 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। साथ ही साथ आपको तीनों में आपको यहाँ पर बालकनी मिल जाएगा। अगर मैं इसकी साइज की बात करूँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ये 16 फीट 6 इंच आपका लंबाई में आपका लिविंग रहेगा। और ऐसे में आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि प्रॉपर आपका 10 फीट, ऐसे में आपको प्रॉपर 10 फीट लंबाई में आपका 16 फीट 6 इंच के आसपास मिल जाएगा। मेन डोर आपने देख लिया, ईस्ट वेस्ट फेसिंग रहेगा आपका ये फ्लैट। और आप सीलिंग देख लीजिए, शानदार सा फॉल सीलिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, सेंटर में आपका झूमर रहेगा, इस तरफ एक आपका फैन आ जाएगा, इस तरफ एक आपका फैन आ जाएगा। फाइनल क्लीनिंग कलर करके एक और बार हम आपको पोजिशन के वक्त दे देंगे। अब ये वाला फ्लैट को देखने के बाद आप कुछ लोग ये भी कमेंट्स करेंगे कि ये हमने तो देखा ये वाला फ्लैट, लेकिन उससे भी बहुत ही कम कीमत पर आज मैं आपको दूंगा। वो ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे 1 BHK में ऑप्शन अवेलेबल है, तो उस हिसाब से मुझे मौका नहीं मिलता। अभी कोई भी कस्टमर आता है तो मुझे एटलीस्ट 5-6 प्रोजेक्ट में दिखा देता हूँ कस्टमर लोग को। तो ये फ्लैट हुआ ऐसे कि ये मैंने शूट तो किया था, बट यहाँ पर विजिट नहीं हो पाया था। बट फिर भी एक बार ऑनर ने मुझे कॉल किया, बाबा विजिट कराओ और इसे सोल्ड आउट कर दो, भले थोड़ा बहुत कम पैसा मिले तो भी चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बंगला बनाकर खुद के लिए अभी रहना स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पर 1 साल से वो रह रहे हैं। अभी ये वाला जो फ्लैट है, ये आपको सेकंड फ्लोर पे मिल जाएगा। और इस तरफ का भी एरिया आप देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया 3.5 लाख कहाँ खर्चा हुआ, वो भी आप देख लीजिए। आपको यहाँ पर कम से कम भी 30-35 हज़ार 40 हज़ार के आसपास का ये पूरा आपका फॉल सीलिंग डिज़ाइन के साथ में, ये टीवी यूनिट, जैसे कि आप देख सकते हो ये टीवी यूनिट यहाँ पर बनाया है, टीवी आपका यहाँ पर बड़ा सा लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर भी आपको चाहते हो तो यहाँ पर आप टीवी सेट कर सकते हो एज ए डिज़ाइन के लिए। आप वहाँ पर एक रख सकते हो कुछ, आपको अगर इंफरटेनमेंट सिस्टम वगैरह कुछ रखना है, या फिर यहाँ पर आपको टीवी रखना है, जो हिसाब से आपको कस्टमाइज़ करना है आप कर सकते हो। बाकी दोनों जगह मेरे लिए देखा जाएगा तो सही है। आप इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका बालकनी, बड़ा सा मिल जाएगा आपको बालकनी, इसे आप छज्जा कह लो या बालकनी कह लो। लंबाई में है 10 फीट के आसपास रहेगा, चौड़ाई में है 2 फीट के आसपास रहेगा। और यहाँ पर क्या मिलता है आपका ग्रिल। अगर आप तीनों फ्लैट का भी ग्रिल भी देखोगे ना, तो आज के तारीख में कम से कम भी 45 हज़ार के आसपास तक आपका ग्रिल ही चला जाता है। तो 3.5 लाख कहा गया, ये सारी चीज़ आपको काउंट करना ज़रूरी है। आप अपने देखा है यहाँ पर आपको लिविंग में मिल गया है आपका ग्रिल। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पास में आप पर्पल कलर का बिल्डिंग देख पा रहे हो, ये आपका ये हॉस्पिटल है। फर्स्ट फ्लोर पे आपका हॉस्पिटल रहेगा, चौथे माले पे यहाँ पर जिम है। इसके अलावा आपका बिल्कुल रोड टच प्रॉपर्टी है, फ्रंट फेसिंग पर ये आपको फ्लैट मिल जाएगा। पास में एक और बिल्डिंग आ रहा है, जो कि है G+7 का, ये ए विंग और बी विंग है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, ज़रूरी सामान आपको बिल्डिंग से नीचे उतरते ही मिल जाएगा। लाइक आपका 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में सामने जिंगल किट स्कूल है, होटल है, हॉस्पिटल है, किराने का दुकान है, सुपर मार्केट है, रिलायंस मार्ट आपका 1 मिनट का डिस्टेंस में है। तो देर किस बात का, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, विजिट कर प्लानिंग जरूर कर लेना। ये सारे आपको टेबल मिल जाएगा, चाहे वो ये वाला हो चाहे वो ये वाला हो। तो लिविंग हमने कवर कर लिया, अभी हम बढ़ते हैं पैसेस के तरफ। पैसेस में आपको फुल टाइल्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, देख लीजिए, ये है आपका फुल टाइल्स। ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए जगह मिल जाता है, 500 लीटर का आप टैंक इजीली रख सकते हो। इसके अलावा एक्स्ट्रा सामान है वो भी आप रख सकते हो, ऑलरेडी यहाँ पर टैंक लगा हुआ है, तो टैंक के लिए भी आपको खर्चा करना नहीं पड़ेगा, 2-3 हज़ार 4 हज़ार ये भी आपका सेविंग हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा प्राइवेसी का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। अगर कोई बाहर से लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, तो बाहर अगर लिविंग में बैठा हुआ है ना, तो इसे हम ऐसे क्लोज कर सकते हैं।
तो इसका भी अगर मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो ये जो फर्निश वर्क किया करके रखा है यहाँ पर, ये स्लाइडिंग वाला, इसका भी कम से कम भी 10 से 15 हज़ार का आसपास तो लग ही जाता है। अब आपने देख लिया ये पूरा आपका पेसेस का एरिया, और इसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ बाथरूम को। साइज़ आप देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 फीट, 5.5 फीट के आसपास, ऐसे में आपको 4 फीट के आसपास मिल जाएगा। वॉल टू वॉल ब्यूटीफुल टाइल्स, बैक साइड में आपका विंडो रहेगा, गीजर के लिए पॉइंट है, फिटिंग वगैरह हो चुका है, फिटिंग के लिए आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा। इस तरफ अगर आप देखोगे तो कॉर्नर पे एक आपका वॉश बेसिन आ जाएगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका इंडियन टॉयलेट, और वॉल टू वॉल एज इट इज़ यहाँ पर भी आपको टाइल्स लगा कर दिए गए। तो चलिए अभी चलता है किचन की तरफ। यहाँ पर भी आपका फोल्डिंग सिस्टम रहेगा, आप इसे फोल्ड करके रख सकते हो कि आपका वाटर टैंक ना दिखे, कुछ एक्स्ट्रा सामान आपने रखा है वो ना दिखे, तो ये आपको फोल्ड करके आपको मिल जाता है। और इस तरफ अगर आप आओगे, 650 स्क्वायर फीट का है तो फ्लैट है, बड़ा है तो फिर किचन भी बड़ा होना चाहिए। तो किचन कितना बड़ा है वो भी आप देख लीजिए, 2×2 = 4 फीट, 5 फीट के आसपास, प्लेटफॉर्म छोड़ के 5 फीट के आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा, और लंबाई में आपको ज़्यादा मिलेगा, लाइक 1, 2, 3, 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट लंबाई में, 9 फीट ऐसे में आपको प्लेटफॉर्म छोड़ के 5 फीट के आसपास यूज़ करने के लिए मिलेगा। वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको टाइल्स लगाकर दे दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो बीम बॉटम लेवल तक आपका टाइल्स रहेगा, एग्जस्ट फैन आपको लगा हुआ ही मिल जाएगा। कॉर्नर पे अगर आप देखोगे तो पीओपी डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, लाइट 24 घंटा आपको यहाँ पर लाइट और 24 घंटा पानी आपको मिल जाएगा। आप लाइट कौन सा है, लाइट है आपका MSCB का आपको लाइट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और ऊपर अगर आप देखोगे तो कुछ कैबिनेट आपको ऊपर नजर आएगा, फिलहाल इसे हम वॉश वगैरह करके दे देंगे। ये जो लेमिनेशन ऊपर लगा हुआ है वो सारे आपको निकाल के दे दिया जाएगा, जब भी आपको पजेशन देना रहेगा तभी उस टाइम पर हम फाइनल क्लीनिंग कलर करके आपको दे देंगे। फिलहाल आज के तारीख में जो कंडीशन है वही कंडीशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे आप देख लीजिए कुछ कैबिनेट और ट्रॉली आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर मैं इसके ही मोटा मोटा खर्चे की बात करूँ तो 35 हज़ार के आसपास तक ये पूरा आपका किचन ट्रॉली ऊपर का कैबिनेट वगैरह बनाने के लिए लग जाता है, 35-40 हज़ार के आसपास। तो ये आपने किचन का एरिया देख लिया, आप देख लीजिए यहाँ पर पानी आपको मिल जाएगा, 24 आवर्स पानी मिल जाएगा। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको विंडो मिल जाता है, प्लस आपका एक आपको यहाँ पर बालकनी मिल जाएगा, और किचन में भी आपको यहाँ पर बालकनी प्लस आपको ग्रिल वगैरह लगा हुआ ही मिल जाता है। तो ग्रिल का आपको एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह देना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं, ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। जो भी आपको फर्निश यहाँ पर दिख रहा है ये सारी चीज़ आपको मिलने वाला है। तो विजिट मैंने सोचा क्यों ना अगर आप लोगों को दिखा दिया जाए, और थोड़ा सा डिस्काउंट भी कर दिया है, जो ऑनर है उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर देते हैं तो फ्लैट जल्दी से जल्दी निकल जाए, तो वो पेमेंट में कहीं और जगह लगा पाओ। 1, 2, 3, 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट के आसपास आपको ऐसे में आपको मिल जाएगा, और ऐसे में आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि प्रॉपर आपका 10 फीट 4 इंच के आसपास रहेगा। इसके अलावा प्रॉपर तरीके से आपको कॉर्नर पर आपका वॉर्डरोब आ जाएगा। बेड हमने यहाँ पर सेट कर दिया है, बेड आपको ये बेड भी आपको मिल जाएगा, और बेड लगाकर भी आपको पूरा ऐसे एल शेप में आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है। ड्रेसिंग टेबल के लिए आपको यहाँ पर कॉर्नर पे आपको जगह मिल जाता है, आपको यहाँ पर वॉर्डरोब एक मिल जाता है। इसे तो हाल थोड़ा बहुत रिपेयर करना पड़ेगा जिस कंडीशन में है, बाकी थोड़ा बहुत इसे रिपेयर का ज़रूरत है जैसे कि मैंने चेक किया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एसी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एसी भी लेके नहीं जाने वाला है तो यहाँ पर आपको एसी भी मिल जाएगा। एसी के लिए भी आपको खर्चा करना नहीं पड़ेगा, 30-35 हज़ार देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए ये है आपका फॉल सीलिंग, बेडरूम में भी आपको यहाँ पर फॉल सीलिंग बनाकर दिए गए जो कि देखने के लिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चाहो तो आप यहाँ पर डिफरेंट कलर भी लगा सकते हो, फिलहाल तो ये व्हाइट कलर में है। जब आप पजेशन लोगे उस टाइम पर अगर आप चॉइस करोगे कि हमें ये दूसरा कलर में चाहिए तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। अब हम पहुँच चुके हैं बेडरूम का बाहर का बालकनी, ये है दोस्तों आपका बेडरूम का बाहर का बालकनी, और साइज़ आप देख लीजिए प्रॉपर ये आपका 10 फीट रहेगा, और ऐसे में आपको मिल जाएगा कितना, 2 फीट के आसपास। यहाँ पर भी आपको ग्रिल आ जाएगा, आसपास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको G+4, G+3 और पास में एक और बिल्डिंग आने वाला है जो कि ये G+7 का ये बिल्डिंग आने वाला है। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, यहाँ पर आएगा आवाज़ क्योंकि मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं तो काफ़ी आवाज़ आने वाला है, तो हम लिविंग में जाके अभी बात करेंगे कितने प्राइस पे आपको मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये आपका जो पोजीशन लेके इसे कम 3 से 4 साल हुआ है इस वाले बिल्डिंग को, 3 से 4 साल के आसपास हुआ है इस वाले बिल्डिंग को पोजीशन लेके, तो ये एकदम ब्रांड न्यू बिल्डिंग तो आप नहीं कह सकते, ये 3 से 4 साल हो चुका है इस वाले बिल्डिंग को पोजीशन देके, और ये 3 माले का ही बिल्डिंग है। आपको मिल जाएगा 2nd फ्लोर पे, इस वाले बिल्डिंग पे लिफ्ट अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा डिटेल इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। 24 घंटा पानी है, 650 स्क्वायर फीट का ये 1 BHK फ्लैट, फर्निश के साथ में आपको मिल जाएगा ये वाला आपका फ्लैट दोस्तों। आप लोकेशन कहाँ पर है, लोकेशन है आपका नीरल रेलवे स्टेशन से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। जेन्युइन अगर आप आओगे चल के तो 10 मिनट में आप इजीली अपने घर पे पहुँच जाओगे। रोड टच प्रॉपर्टी है, आसपास में सारे सुख सुविधा अवेलेबल है। अब प्राइस कितना है, प्राइस है इसका हमने रखा है 17,50,000 विथ रजिस्ट्रेशन,
17,50,000 विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा ये 650 स्क्वायर फीट का फ्लैट। ब्रांड न्यू बिल्डिंग पे अगर आप जाते हो तो 650 स्क्वायर फीट का फ्लैट अगर आप बाय करते हो तो कम से कम आपको 19,50,000-20,00,000 के आसपास आपको पे करना पड़ सकता है। उसमें से भी आपको ये फर्निश वगैरह नहीं मिलेगा, चाहे वो ग्रिल हो, फॉल सीलिंग हो, ये सारी चीज़ आपको नहीं मिलता है। रॉ फ्लैट ही आपको मिल जाता है 19-20 लाख में। तो यहाँ पर भी आपका 2-3 लाख रुपया सेफ हो गया, प्लस आपका 3-3.5 लाख के आसपास का जो आपको फर्नीचर लग रहा है, ये सारे फॉल सीलिंग लग रहा है, ये भी आपका सेव हो गया। तो मोटा मोटा देखा जाएगा तो 5-5.5 लाख-6 लाख के आसपास आपका सेव हो रहा है और 17.5 लाख में आपको मिल जा रहा है, विच इज़ स्लाइटली आपका निगोशियबल रहेगा। अब जब मैंने इसे एक साल पहले अपलोड किया था उस टाइम पे इसका कीमत हमने रखा था 21 लाख विथ रजिस्ट्रेशन, जब जस्ट खाली किए थे और वो बंगला बना के चले गए थे उस टाइम पे 21,50,000 के आसपास में मैंने इसे रिलीज़ किया था। आप सभी लोग अगर इस वाले फ्लैट को देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। उस टाइम से अभी आपका डिस्काउंट प्राइस में आपको मिल रहा है, वो क्या है कि ये पेमेंट वो दूसरे जगह पे लगाने वाले, इसकी वजह से ये फ्लैट आपको बड़े सस्ते में आपको मिल रहा है। नहीं तो सेम फ्लैट आपको 20-21 लाख ही, मेरे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आप वो भी आप देख सकते हो। रॉ फ्लैट अगर आपको चाहिए, ब्रांड न्यू बिल्डिंग चाहिए और आपको पूरा एमिनिटीज चाहिए तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब डाउन पेमेंट कितना आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डाउन पेमेंट अप्रॉक्स आपका 2 लाख के आसपास आपका डाउन पेमेंट आ जाएगा, 1,70,000-1.5 लाख से लेकर 2 लाख के आसपास आपको देना ही पड़ेगा उसी आर अमाउंट। बाकी आपका जो ईएमआई आएगा, ईएमआई निकल के आएगा 14-15 हज़ार के आसपास आपका ईएमआई आएगा, 15-20 साल आप इजीली लोन ले सकते हो। नेरल कहाँ पर है? नेरल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट तालुका कब्जा स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। फ्लाइट कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना, आपका कुछ राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, मैं पूरा कोशिश करूँगा आप सभी लोगों को रिप्लाई देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।